दसवीं क्लास वाले बच्चों के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी सीरीज भी बोलते हैं इनको। तो एपी जो सीरीज है, सीक्वेंस है, उसको किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ये चीज आज हम बेसिक टर्म्स में सीखने वाले हैं। आप लोगों की क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेस हो भी चुका है, तो हम लोग एक इसका बेसिक रिविजन ले रहे हैं कि एपी को सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, इसकी बेसिक टर्म्स क्या है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कि एक ऐसा सीक्वेंस जिनके दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो लगातार कोई भी दो टर्म आप उसको उठा लीजिए उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एपी सीक्वेंस मैंने यहाँ पे ली हुई है जिसमें मैंने टर्म्स लिखी है A1, A2, A3, A4, A5। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस की एपी की, तो ये क्या होगी, इसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन डिफरेंस रहेगा जब भी आप A2 में से A1 को घटाएंगे वो बराबर होगा, A3 में से A2 को घटाएंगे तो बराबर होने वाले हैं, दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। एज इट इज चलता जाएगा, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आप आपस में घटाएंगे तो उनमें से जो डिफरेंस निकल के आने वाला है वो हर टर्म्स के लिए बराबर रहने वाला है। जैसे कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हमने ली है A1 A2, वो बराबर होगा A3 A2, उसके अलावा A4 में से A3 घटाएंगे तो वो भी बराबर आएगा। सो हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हमारा एक मेन फॉर्मूला आता है पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, वो होता है an, an यहाँ पे nth टर्म है, कि किसी भी एपी की nth टर्म निकाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे an, nth टर्म जब भी आपको निकाल दिए तो आप क्या करेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, a आपकी होगी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की जो फर्स्ट टर्म है जैसे कि यहाँ पे a1 है वो फर्स्ट टर्म है, तो एपी की फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कि एपी में टोटल कितने टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे a1 से लेके an तक है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया है, उसमें से एक घटाएंगे इनटू डी। डी क्या है यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने यहाँ से निकाला, किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स को आपस में घटाएंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा डी, इसको डी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इससे हम लोग कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एपी में मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि 8th टर्म आप निकाल के बताइए, 10वीं टर्म निकाल के बताइए, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उससे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है एपी सीरीज आपकी लिखी है 3, 15, 27, 39, आगे मैंने कुछ टर्म्स मिसिंग लिख दी। तो इसका क्वेश्चन है विच टर्म्स ऑफ एपी इज 639, इस पूरी एपी की हमें वो टर्म निकालने को कौन सी टर्म होगी जो 639 आए। तो हम तो क्या कर लेते हैं, हमें इसमें पता है कि an टर्म क्या है, हमारी nth टर्म, तो हमें निकालनी कौन सी टर्म है वो 639 है। तो हमें लिखना है यहाँ पे हमारे an की वैल्यू कितनी है 639, जो कि हमारी वैल्यू गिवन है, किसी भी टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमारी एक टर्म गिवन है, हमें जस्ट यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है कि n कौन सा है, कौन से नंबर पे 639 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 639 जो कि an है इक्वल टू a, हमारी पहली टर्म क्या है 3 प्लस n, नहीं पता हमें n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है कि nth टर्म ये कौन सी है nth टर्म में, तो अपने आप ऑटोमेटिकली n की वैल्यू निकल के आ जाएगी n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हमें देखना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आपस में से घटा लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 जो दूसरी टर्म है उसमें से घटा देता हूँ 3, हमारे पास ये आ गया 12, तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो गया 12। अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि 12 ही आ रहा है तो हम लोग किसी दो और टर्म्स को भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 27 में से 15 को घटाया तो वो भी आपको कितना आया 12। पूरी एपी सीरीज के लिए एक जैसा रहेगा कॉमन डिफरेंस, इसलिए तो हमारा कॉमन डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 12। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं 3639 इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12। सो नेक्स्ट हमारा आया कि 12 में से 12 और 3 को हमने ऐड किया तो माइनस 9 हमारे पास यहां पे बचा, 9 को हम लोग इधर लेके गए तो 648, और एक तरफ हमारा आया है 12n, n को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 648 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू n, जिससे n की वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो 54 आएगी। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो 639 जो ये टर्म है कितने नंबर पे
हमारी एग्जिस्ट कर रही है, एन की वैल्यू वहां पे 54। तो इस एपी सीरीज की 54वीं टर्म आपकी कौन सी कहलाएगी, 639। जब आप निकाल के देखेंगे ऐड करते हुए कंटिन्यू चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 54वीं टर्म जो 54 टर्म है उसको आप निकाल के देखेंगे उसका आंसर होगा 639। तो इस तरीके से हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एपी दी हुई है आपको -37, -33, -29। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एपी को लिखा है यहाँ पे, हमारी एपी जो गिवन है वो है -37, -33, -29। और आगे की तीन टर्म्स हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या चीजें चाहिएगी, हमें पहली चीज चाहिए होती है ए, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है जो कि हमारा डी आएगा, डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी दो टर्म्स को आपस में से घटा लिया। तो मैंने लिखा -33, उसमें से घटाया मैंने -37, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया है, ये आया 4। 4 कॉमन डिफरेंस के साथ हम लोग इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टर्म अगर आपको निकालनी है इसमें, तो 29 प्लस -29 प्लस 4 नेक्स्ट टर्म होगी, उससे नेक्स्ट टर्म -29 प्लस 4 प्लस 4 ये उससे नेक्स्ट टर्म आएगी, उससे नेक्स्ट -29 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 आपकी नेक्स्ट तीन टर्म्स इस अकॉर्डिंगली निकल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी आपको दी भी नहीं हुई, यहाँ पे दिखाई नहीं हुई है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है, लेकिन हमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं और उसके यहाँ पे हमें निकालना है कि 31st टर्म ऑफ एपी क्या होगी। तो क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म इज गिवन। 11th टर्म क्या दी हुई आपको, 38। उसके अलावा 16th टर्म इज 73। तो दो टर्म्स आपको दी हुई है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, कैसे 31st टर्म को निकाला जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ए की फॉर्मूला हमने अभी तक सीखा है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो इसी का यूज करेंगे, इसी का यूज करते हुए हम लोग इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन है, वो है a 11, 11 टर्म गिवन है, दैट इज 38। दूसरा a 16 गिवन है, दैट इज 73। दो टर्म्स है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारी nth टर्म अगर हम 11th मान लें तो a 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 38। इसके लिए आगे अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस n, n क्योंकि nth टर्म हमें पता है, 11 टर्म है, तो n की वैल्यू यहां पे 11 यूज करेंगे, माइनस 1 इनटू d। कॉमन डिफरेंस भी हमें अभी तक नहीं पता है, तो पहली इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में हमारी आ जाएगी क्या, a प्लस 11, 11 माइनस 1 डायरेक्टली 10 डी हो गया, इक्वल टू 38। इक्वेशन वन नाम मैंने इसको दे दिया। सेकंडली दूसरे इसके लिए करते हैं हम, a 16, दैट इज 16 टर्म ऑफ ap गिवन है, दैट इज 73, इक्वल टू a प्लस n, n की वैल्यू इस बार क्या यूज करेंगे, 16, 16 a माइनस 1 n माइनस 1 इनटू d, d आपकी क्या है नहीं पता अभी भी हमें, तो हमारी 73 इक्वल टू a प्लस 15 d हो गया। तो दो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं, a प्लस 15 d इक्वल टू 73, तो 3। सो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व कर लिया, यहां माइनस साइन लगाया और इसके बाद इसको सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू निकल के आई है 7, और इस d की वैल्यू का हमने पुट कर दिया किसी भी एक इक्वेशन में, या इक्वेशन 1 में मैंने पुट करके दिखाया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास a की वैल्यू -32 आ गई है, ठीक है। अब हमें निकालने क्या है, फाइंड द 31st टर्म। हमारे पास 31st टर्म निकालने के लिए वही फिर से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया है 31st के लिए, a 31st इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इनटू d, जो कि आपका हो गया a प्लस 30d। और मैंने वैल्यूज a की यहां पे पुट कर दी -32 और d की वैल्यू यहां पे पुट कर दी 7। अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर आया है वो 178, जो कि करेक्ट आंसर है। आप इसको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को घर पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग एपी के बेसिक यही वाले क्वेश्चंस घर पे ट्राई करेंगे। आप सभी इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत आया है हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस दी हुई है उसका सम कैसे निकालें, ठीक है।